राज्य सम्मेलन में उपस्थित सभी हमारे पूरे प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधिगण, पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, माताएं, बहने, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आज के सम्मेलन में जो आप लोगों ने चुना है, प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला हम लोग सब मिलकर के करेंगे। संगठन के साथ साथ हमारे सभी साथी मिलकर के इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमसे पहले स्वागत भाषण में रविदास मेहरोत्रा जी ने लखनऊ के इतिहास, लखनऊ की संस्कृति और किस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब और हमारी ये जो मिली जुली संस्कृति है इसमें हम लोग मिलकर के रहते हैं उसके बारे में बताया। जहां लखनऊ शहर हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहीं ये भी याद दिलाता है कि लखनऊ शहर में बहुत पुराना इतिहास आजादी से लेकर के और ऐसा इतिहास छिपा है जिसने हमारे समाज को समय समय पर दिशा देने का काम किया है। हालांकि रविदास महतवा जी बहुत पुराने नेता हैं, इनका रिकॉर्ड तो ये है कि शायद ही कोई नेता इतना जेल गया होगा जितना रविदास महतवा जी जेल जा चुके हैं। अगर कभी रिकॉर्ड के माध्यम से देखा जाएगा तो जनहित में और जनता के सवालों पर अगर कोई सबसे ज्यादा संघर्ष कर जेल गया है तो वो रविदास मेहरोत्रा निकलेंगे। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में बहुत बड़ा सपना दिखा दिया हम लोगों को, लेकिन मैं अपने प्रतिनिधियों के सामने कहना चाहता हूं ये लड़ाई बड़ी है, हमारा कोई ऐसा सपना नहीं है कि हम उस स्थान पर पहुंचें, लेकिन हम समाजवादियों का यह सपना जरूर है कि जो समाज में बांटने वाली ताकतें हैं उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे।